بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته अहकम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वाली क्लास में हमने मद मनफसल के बारे में पढ़ा था मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो लिंक जो है आपको डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा अभी जाके जो है उस वीडियो को देख लीजिए और स्वाब की नीत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने मद मतसिल और मद मनफसल को पढ़ा था अब मद मतसिल और मद मनफसल के अंदर जो मद का सबब पाया जाता है वो हमजा है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो मद मतसिल कहलाएगा हरूफ़ मद्दा के बाद हमजा बाद वाले कलमे में हो तो मद मुनफसल कहलाएगा तो मालूम हुआ कि मद मुतसिल और मद मुनफसल के अंदर जो मद का सबब पाया जाता है वह हमजा है क्या है भाई हमजा है अब हमने जो बाकी जो मद्दात पढ़नी है जैसा कि मद लाजिम और मद्य आरिद तो ये दो मददात हमने और पढ़नी है लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि मद लाजिम और मद्य आरिद के अंदर जो मद का सबब पाया जाता है वो सुकून है वो जज्म है तो मद्य लाजिम और मद्य आरिद को समझने से पहले आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि सुकून असली किसे कहा जाता है और सुकून आरजी किसे कहा जाता है तो इस क्लास को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो यहां पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए पहले जाके जो है सुकून असली और सुकून आरजी क्लास को देख लीजिए तभी जाके जो है आज की क्लास आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि मद लाजिम और मद आरिद के अंदर जो ताल्लुक है वो सुकून का है तो सुकून को सबसे पहले समझ लीजिए तो आज हम इस क्लास में जो है मद लाजिम और मद लीन लाजिम के बारे में बात करने वाले हैं और उसके बाद मद लाजिम की कुछ चार किस्में हैं जैसा कि आप लोग जानते होंगे मद लाजिम कलमी मस्क्ल मद लाजिम कलमी मुखफफ मद लाजि हरफी मस्क्ल और मद लाजिम हरफ़ी मुखफ़ तो ये चार किस्में हैं मद लाजिम की तो अगर टाइम बच जाता है तो इनशा हम आज की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे नहीं तो अगली वीडियो में इनशाला इसको डिस्कस करेंगे लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर जो है मद लाजिम और मद लीन लाजिम को जानेंगे तो सबसे पहले आप यहां पर मद लाजिम और मद्द लीन लाजिम के कायदे को समझ लीजिए इन दोनों का कायदा क्या है लाजिम का कायदा है कि हरूफ मद्दा के बाद अगर सुकून असली हो तो इस सूरत में लाजिम होगा क्लियर हो गया पहला पॉइंट ठीक है जी अब मद्य लीन लाजिम का कायदा क्या है लीन के बाद अगर सुकून असली हो तो इस सूरत में मद्द लीन लाजिम होगा बस इतना कायदा है मद्य लाजिम और मद्य लीन लाजिम का समझ में आ गया इतना इस कायदे को नोट कीजिए अपने जहन में फिट कीजिए अब हम सबसे पहले मद लाजिम को समझते हैं देखिए मद लाजिम के अंदर मैंने जो कायदा आपको बताया वो क्या बताया कि हरूफ मद्दा के बाद अगर सुकून असली हो तो इस सूरत में मद लाजिम होगा इस सूरत में मद लाजिम होगा अब इस कायदे को सबसे पहले समझ लीजिए इस कायदे के अंदर आपने दो पॉइंट्स को समझना है दो पॉइंट समझ में आ गए तो मद्दे लाज़िम आपको जिंदगी भर याद रहेगा कभी नहीं बोलेगा और कुरान मजीद के अंदर आप कहीं भी पहचान सकते हो कौन सा मद्दे लाज़िम है कौन सा आरिद है कौन सा मुतसिल है कौन सा मुनफस को याद रखना है मद्दा के बाद सुकून असली का आना अब हरूफ मद्दा आपको मालूम होगा हरूफ मद्दा कितने हैं तीन है अलिफ व्यानि अलिफ से पहले जबर हो वाव साकिन से पहले पेश हो और या साकिन से पहले जेर हो तभी जाके हम अलिफ वाव या को हरूफ मद्दा के अंदर शुमार करेंगे अगर वाव से पहले ज़बर हो या से पहले ज़बर हो तो वो वाव मद्दा या मद्दा नहीं कहलाएगा वो वाव लीन और लीन कहलाएगा लेकिन याद रखना कि अलिफ वाव या अलिफ से पहले ज़बर वाव से पहले पेश या से पहले जेर हो तो अलिफ मद्दा वाव मदा मद्द या मद्दा कहलाएगा क्लियर हो गया अलिफ मद्दा वाव मदा या मद्दा चले भाई ठीक है अब यहां पर जो दूसरी बात है वह है सुकून असली की अब मैं यहां पर आपको थोड़ा जो है कायदे के अतबार से थोड़ा सा आपको समझा लूं ताकि आपको यह कायदा समझना आसान हो वैसे तो आपको वीडियो ज़रूरी देखनी है कि ताकि आप समझ पाए सुकून आर्जी सुकून असली क्या है वो डिटेल से मैंने उसमें समझाया है उसको लाजमन देखिएगा लेकिन यहां पर जो है कायदा समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं देखिए सुकून असली में आपको ऐसे समझाऊं बिल्कुल आसान तरीके से याद रखो कुरान मजीद जब आप खोलेंगे ना आप कुरान मजीद के अंदर अल्फाज देखते हैं बेशुमार हरूफ देखते हैं तो जब भी आप कुरान मजीद को खोल कर किसी हरूफ को किसी हरफ को देखेंगे और किसी हरफ के ऊपर जब दाल जैसा सिंबल बना होगा और उस दाल जैसे सिंबल को हम क्या कहते हैं उसे हम जज्म कहते हैं उसे हम सुकून कहते हैं तो जब आप किसी हरफ के ऊपर वो दाल जैसा निशान देखोगे तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो इसके ऊपर जज्म है ये जो इसके ऊपर सुकून है ये सुकून असली है क्या है भाई सुकून असली है क्लियर होगी बात अब मैं आपको मिसाल दूँ चले सूर्य फातिहा की पहली आयत में आपको समझा लेता हूँ जैसे हम पढ़ते हैं बिसमी रबीन तो जब हमने ये आय करीमा पढ़ी इसके अंदर आप अल्हमद का लफ्ज़ देखो अलहमद इसके अंदर सुकून कहाँ है लाम के ऊपर है और मीम के ऊपर है अलहमद

सबसे पहले आपने जान लिया कि सुकून असली को कैसे पहचानना है अब यहाँ पर जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इसी इसी सेंटेंस uh, के अंदर रब्बिल आलमीन है तो रब्बिल आलमीन को देखें आप रब का जो लफ्ज है ना र और बा लिखा है अब बा जो है ना बा मुशद्दद है बा मुशद्दद से मुराद यहां पर है कि यहां पर बा जो है वो दो बार है तजदीद का मतलब होता है ट्वाइस तजदीद का मतलब होता है दोहरा तो अब यहां पर जो बा है ना बा यहां पर दो बार है और इस बा को जो है तजदीद ने लिंक कर रखा है क्या कर रखा है लिंक किया है आपस में असल में यहां पर दो बा है तो तजदीद की वजह से ये बा जो है ना इसके अंदर मिल गया है दोनों जुड़वा जुड़वाबाई मिल गए हैं किसकी वजह से तजदीद की वजह से अब अगर हम इस तजदीद को यहां से उठा के हटा लें तो ये जुड़वा बाई आपस में अनलिंक हो जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे डिटैच हो जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे तजदीद को एक मिनट के लिए हटा लेंगे अब एक बा अलग निकला एक बा अलग निकला लेकिन एक बा इसके अंदर साकिन है एक बा इसके अंदर मुतहर्रिक है यानी एक बा के ऊपर सुकून है एक बा के नीचे जेर है तो यहां पर जो स्टार्टिंग वाला बा है जो बा साकिन है पहला वाला तो ये जो सुकून इसके ऊपर है तो ये सुकून असली कहलाएगी अब आपको यह मालूम हो गया कि जो भी मुशद होता है जो भी तजदीद वाला हड़फ होता है उसके अंदर जो साकिन होता है वो सुकून असली ही कहलाता है ये मैंने सुकून असली वाली क्लास में भी समझा लिया है उसको देख लीजिएगा तो अब यहां पर आपको क्या मालूम हुआ कि तजदीद वाला हरफ जो होता है उसके अंदर जो एक साकिन होता है वो भी सुकून असली के अंदर ही आता है अब बताएंगे कैसे जैसे हम पढ़ते ना रब बिल आलमीन। तो पहले वाले रब पहले वाले बा को हमने रॉ के साथ पीछे रॉ के साथ मिलाया तो खुद खुद साकिन है अब दूसरे वाले बा को हमने आगे वाले लाम के साथ मिलाया तो हम पढ़ते हैं दिल। रब बिल रब बिल तो पहले वाले को रॉ के साथ मिलाया दूसरे वाले को लाम के साथ मिलाया तो दोनों बा को हमने मुकम्मल पढ़ लिया पहला साकिन बाद वाला मुतहर्रिक जेर के साथ तो अब क्या हुआ अब जो यहां पर तजदीद ये ये है इसके अंदर सुकून असली है क्लियर होगी बात समझ में आ गया सुकून असली हरूफी चलिए अब फिर से बताता हूं और उसके बाद मिसाल बताता हूं मदिम की तो है कि मद्दा के बाद अगर सुकून असली हो तो उस मध को कहा जाएगा मद लाजिम क्या कहा जाएगा मद लाजिम और इस मध की जो खींचने की मकदार होगी वह होगी छे हरकत और छे हरकत बराबर होती है तीन अलिफ के कितना तीन अलफ के जिसे हम तूल कहते हैं क्या कहते हैं तूल कहते हैं क्योंकि मध्य मुतसिल और मुनफसल के अंदर हमने तवसुद किया अब यहां पर मध्य लाजिम के अंदर हमने तूल करना है और तूल करना यहां पर बेहतर है तूल करना यहां पर ओला है तो यहां पर क्या करना है यहां पर आपने तूल करना है इसको लंबा खींचना है तीन अलिफ के बकदर अब याद याद रखना है इस बात को तो हम यहाँ पर जो है हरूफ मक्त की बात नहीं करेंगी मैं आपको कुरान मजीद के अंदर जैसे एग्जाम्पल दूँ जैसे हम सुर अनाम के अंदर आयत नंबर थर्टी एट के अंदर देखेंगे वहाँ आपको मिलेगा वामा दा बतिन फिल अर्दे। तो ये आय करीमा जब आप देखेंगे ना तो इस आय करीमा के अंदर आपको एक वर्ड मिलेगा वो है दा बतिन का क्या है भाई दा बतिन का तो ये दा बतिन पर आप गौर करें अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना वो यहां पर देखते हैं इस अलिफ के ऊपर मध्य मतसिल जैसा सिंबल बना है तो यहां पर मध्य मतसिल कर लेते हैं हालांकि वो गलत है कुछ कुछ लोगों के कुरान मजीद के अंदर जो है मध्य मुनफसल जैसा सिंबल होता है अलिफ के ऊपर तो वो ये समझते हैं कि यहां पर मध्य मुनफसल है तो मध्य मुनफसल करना है लेकिन इस बात को याद रखना मध्य मुनफसल और मध्य मद का ताल्लुक हमजा के साथ है यानी मध्य मतसिल मध्य मुनफसल के अंदर जो मद का सबब पाया जाता है वो हमजा है तो यहां पर दाब बतिन के अंदर तो हमजा नहीं पाया जा रहा कहीं पर यहां पर तो कहीं हमजा नहीं है लेकिन इसके अंदर इस दाबिन के अंदर सुकून असली पाया जाता है कैसे तो यहां पर खुद ब खुद आपको पता चलेगा कायदे के अतबार से कि यहां पर जो मद कहलाएगी ये ये मद लाजिम कहलाएगी क्या कहलाएगी मद लाजिम कहलाएगी अब आप बताएंगे कैसे मैं आपको मिसाल दूं इस दाब बतिन के लफ्स को हम पहले क्या करते हैं खोल कर लिखते हैं दाल अलिफ बा, बा और गोलता हमने बाबा क्यों लिखा क्योंकि मैंने ऊपर वाली तस्दीर को हटा दिया मैंने अब तस्दीर को जब हटा दिया तो मैंने अलग अलग से बा को लिख दिया आप ठीक है तस्दीर की वजह से दोनों बा एक जगह थे लेकिन तस्दीर को हटाने की वजह से अब बाबा को हमने अलग कर दिया डिटैच कर दिया अब हम इनके ऊपर जो है जबर जेर डाल देंगे जैसे दाल के ऊपर जबर डालेंगे अलिफ को खाली छोड़ेंगे और बा के ऊपर सुकून डाल देंगे और दूसरे बा के ऊपर जबर डाल देंगे और गोल ता के नीचे दो जेर डाल देंगे बन गया सेम जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है गुड अब यहां पर देखिए अब दाल अलिफ जबर क्या होता है दा तो अलिफ क्या हुआ अलिफ मद्दा हुआ क्योंकि अलिफ से पहले दाल के ऊपर जबर है क्योंकि अलिफ से पहले जब, जब जबर हो तो अलिफ मद्दा हुआ तो हनुफ मद्दा के बाद जब सुकून असली हो तो इस सूरत में मद्दे लाजिम होगा तो अलिफ मद्दा के बाद जो बा है वो क्या है वो साकिन है उसके ऊपर जो सुकून है वो सुकून है असली है तो आप जो यहाँ पर ये मद कहलाएगी ये मद मतसिल भी नहीं कहलाएगी मद मुनफसल भी नहीं कहलाएगी ये मद लाजिम कहलाएगी और इसके खींचने की जो मकदार होगी वो तीन हरकत होगी सॉरी तीन अलिफ के बराबर होगी यानी छः हरकत के बराबर होगी यानि तीन अनफ के बराबर यानि छः हरकत के बराबर इसको खींचना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे हम करेंगे व्यू बती फिल आउट तो जब हम ऐसे पढ़ेंगे ना तो इस दा बतीन को हम खींचेंगे कितना तीन अलिफ के बराबर क्यों भाई क्योंकि यहां पर जो ये मद है ये मद लाजिम है अब यहां पर ये मद लाजिम कलमी मुस्क्कल है वो हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि जब हम इंशाल्लाह उन किस्मों को पढ़ेंगे मद लाजिम की तो इंशाल्लाह उसमें आसानी होगी अभी आप उस पर फोकस ना करें अभी आप यहां पर समझे कि मद लाजिम होता क्या है बस आपने ये जाना कि मद लाजिम होता है जब हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली हो तो दा बतिन के अंदर आया जैसे एक दूसरा वर्ड है कुरान मजीद के अंदर आ आ तो उसके अंदर भी मद्दे लाजिम है क्यों हमजा अली जबर आ तो अलिफ मद्दा है और उसके बाद दाल के ऊपर तजदीद है तो उसके अंदर एक सुकून असली है तो हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली आया तो अब यहां पर मद्दे लाजिम कहलाएगा तो हम पढ़ते हैं आरो

अब इसको समझना बहुत ज्यादा आसान है मद्द लीन लाजिम की एग्जाम्पल अगर आप कुरान मजीद के अंदर ढूंढने बैठेंगे ना तो मुश्किल से आपको जो है मद्द लीन लाजिम की मिसाल मिलेगी अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे ना तो बहुत मुश्किल से आपको मिलेगी लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए आपको इनशाला यहां पर जो है एक मिसाल समझा देता हूं देखिए तो मद्द लीन लाजिम के कायदे ने हमें बताया कि लीन के बाद जब क्या आ जाए हरूफी लीन के बाद यह याद रखना लीन के बाद सुकून असली हो तो लीन किसे कहा जाता है जब या और वाव साकिन से पहले जबर हो या साकिन से पहले अगर जेर हो तो वो या लीन नहीं या मद्दा कहलाएगा वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो वा वाव लीन नहीं वाव मद्दा कहलाएगा शर्त ये है कि लीन की या और वाव से पहले दोनों दोनों या और वाव से पहले जबर हो किसी हरफ के ऊपर तो उनको या याद या लीन और वाव लीन कहा जाएगा तो यहां तक क्लियर हो गया अब मैं आपको मिसाल दूं जैसे हम मिसाल ले लेंगे सूर्य मरियम के अंदर सूर्य मरियम की पहली करीमा वो स्टार्ट हो गया हरूफ मुक्त आज से उसके अंदर जो हरूफ मुकत्ता है वो है काफ हा या आइन तो जो काफ हा या आइन सौद है ना ये पांच लेटर्स है काफ हा या तो इसके अंदर क्या हुआ है इस यात के अंदर मद्य लाजिम भी हुआ है मद्य असली भी हुआ है और मद्य लीन लाजिम भी हुआ है तीनों कायदे इसके अंदर आते हैं मद्य लाजिम भी मद्य असली भी और मद्य लीन लाजिम भी अब आप बताएंगे कैसे अब मैं आपको यह समझा लेता हूं देखिए जब आप कुरान मजीद खोलते हैं ना सोरे मरियम की पहली आय करीमा खोलते हैं तो काफ के ऊपर आप मद का सिंबल देखते हैं तो हम काफ को खींचते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं तूल करते हैं यानी तीन अलिफ के बराबर हम इसको खींचते हैं हम करते हैं तो हम ऐसे करते हैं तो जब हम इस काफ को खींचते हैं ना तो हम इसको क्यों खींचते हैं क्योंकि ये मद्दे लाजिम है कैसे मद्दे लाजिम है क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि जब हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली हो देखिए अब आप काफ की बात करेंगे काफ को अगर हम खाली एक अल्फाबेट के तौर पर लिखेंगे ना तो हम सीधा दीवार पे काफ लिखेंगे ऐसे काफ बनाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं लेकिन जब हम इसको एक वर्ड के अंदर तब्दील करेंगे तो हम लिखेंगे काफ अलिफ जबर का फा साकिन तो बन गया एक वर्ड बन गया काफ तो अब आप देखिए काफ अलिफ जबर का तो अलिफ क्या हुआ अलिफ मद्दा हुआ क्योंकि काफ के ऊपर जबर है तो अलिफ मद्दा हुआ अलिफ मद्दा के बाद फा के ऊपर क्या है हाँ फा के ऊपर सुकून है और ये सुकून असली है तो अब यहां पर हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली आया तो ये जो मद कहलाएगी ये हा मद लाजिम कहलाएगी तभी हम यहां पर करते हैं का अब हा या जो है ना इसके अंदर मद असली होगा हा जबर हा या जबर या एक कलिफ के बराबर यानी दो हरकत के बराबर इसके अंदर हम कसर करते हैं यह तो आप लोगों को मालूम है कुरान मजीद के अंदर तो हम हर जगह ये करते हैं ठीक है अब यहां पर जो है वो है आइन अब आइन जो है ना आइन पर होर कीजिए आइन के अंदर जो है लाजिम तो होगा मध्य लाजिम तो होगा लेकिन मध्य लीन लाजिम होगा अब आप बताएंगे कैसे क्योंकि यहां पर आप आइन को अगर आप नीचे उतारेंगे ना आइन अगर हम लिखेंगे ना खाली तो हम ऐसे लिखेंगे एक अल्फाबेट के तौर पर लेकिन जब हम इसको वर्ड के अंदर तब्दील करेंगे ना हम लिखेंगे आईन या जबर आई नून साकिन ऐसे लिखेंगे ना तो आप देखिए खुद ब खुद यहां के अंदर बीच वाला जो या है आएं, आएं के अंदर जो बीच वाला या है येलो कलर वाला ये या साकिन है ना और या साकिन से पहले उस आइन के ऊपर क्या है जबर है यानी या साकिन से पहले जबर है तो या क्या हुआ अब या यहां पर मद्दा नहीं बनेगा या यहां पर लीन बनेगा क्यों क्योंकि या साकिन से पहले जबर है अगर या साकिन से पहले जेर होता तो हम इसको पढ़ते ईन ऐन ऐन पढ़ते तो हम तो ऐन नहीं पढ़ते हैं हम आइन पढ़ते हैं तो हम यहां पर खुद ब खुद मालूम हुआ कि या साकिन से पहले जबर है तो या लीन है तो यहां पर या लीन के बाद क्या हो हाँ, बाद वाली नून के ऊपर देखो सुकून है और ये सुकून असली है तो अब यहां पर कायदा किसका आया हरूफी लीन के बाद जब सुकून असली हो तो उस मद को मद लीन लाजिम कहा जाएगा और इसके जो खींचने की मकदार होती है वो भी जो है आ, आ, जो है तूल होती है अब यहां पर बहुत सारे लोग बताएंगे जब इन दोनों की जो है तूल है यानी दोनों को हमने तूल करना है तो इसको डिफ्रेंशिएट क्यों किया है लीन अलग वो अलग देखिए याद रखना इस बात को ज़रूर याद रखना कि मध्य लाजिम जो होता है ना उसके अंदर आप कसर नहीं कर सकते आप तवसत नहीं कर सकते इस बात को याद रखना मध्य लाजिम के अंदर आप ना कसर कर सकते हैं ना तो कर सकते हैं आपने खाली वहां पर तूल करना है क्योंकि तमाम कुर्रा का इस पर इजमा है दूसरी बात यहां पर मद लाजिम की जो है मदन लाजिम के अंदर आप क्या कर सकते हैं आप यहां पर कसर भी कर सकते हैं तवसुद भी कर सकते हैं और तूल भी कर सकते हैं लेकिन लेकिन याद रखना क्योंकि यहां पर तमाम कुर्रा से तूल ही साबित है मद लीन के अंदर भी मद लीन लाजिम के अंदर भी लेकिन यह नहीं है कि आप यहां पर आपको कैद नहीं है आप यहां पर कसर तवसुद कर सकते हैं लेकिन बेहतर बताया जाता है बेहतर और आला जो है वो यह है कि आप इसके अंदर भी तूल करें ठीक है जी लेकिन मध्य लाजिम के अंदर आपको लाजमन कंपलसरी पर आपने जो है तूल करना पड़ता है छह हरकत के बराबर यानी तीन अलिफ के बराबर खींचना पड़ता है तो अब यहां पर क्या आ गया आइन का लफ्ज आ गया ना तो आप आइन को जब आप खींचेंगे ना इसको इसके अंदर भी तूल करेंगे लेकिन यहां पर जो ये मद कहलाएगी इसको लीन लाजिम कहेंगे ना कि ना कि मद्दे लाजिम कहेंगे ये बात याद रखना तो उसके बाद सौद है और सौद को कैसे लिखा जाता है सौदर सौ दाल साकिन के साथ तो सौदेवर सो तो अलिफ मद्दा हुआ और अलिफ मद्दा के बाद दाल के ऊपर सुकून है तो सुकून असली है तो हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली हो तो वहां पर मद्द लाजिम कहलाएगा तो हम इसको भी खींचते हैं सौद अब यहां पर याद रखिएगा जब हम इस हरूफ मुक्त को अदा करेंगे ना पढ़ते समय यानी जब हम इसको खींचेंगे तो याद रखिएगा आइन जो है ना आइन के अंदर जब नून साकिन आ रहा है नून साकिन के बाद सौद आ रहा है यानी सौद जो है से है तो यहां पर आपने इखफा भी करना है और आखिर में सौद पर जो है दाल है ना वहां पर आपने कलकला भी करना है तो आप क्या करेंगे आप ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे आप पढ़ेंगे यानी आपने यहां पर तजवीद का पूरा ख्याल रखना है मद का भी पूरा ख्याल रखना है तो ये था मद्य लीन लाजिम की मिसाल इसके अंदर आइन जो है वो मिसाल आपको समझ में आई होगी ये मद्य लीन लाजिम की मिसाल आपको ज्यादातर जो है कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि ये आपको बहुत कम मिलेगी इसी वजह से यहाँ पर आप जो है हरूफ मकत पर ही इसको फोकस रखें आप यहीं पर इसको सीख लें लेकिन मद लाजम को आप लाजमन सीखें क्योंकि कुरान मजीद के अंदर कुछ ऐसे भी अल्फाज हैं जिनके अंदर मद मतसिल मद मनफसल जैसा सिंबल तो है लेकिन उनको मद मतसल मद मनफसल की जैसे नहीं खींचा जाता उनको मद लाजिम की तरह छः हरकत यानी तीन हरफ़ के ब़दर खींचा जाता है तो मुझे उम्मीद है आपको मद लाजिम और मद लीन लाजम का कायदा समझ में आया होगा अब इन कायदों को जहन में रखे और कुरान मजीद के अंदर ऐसी मिसालों को देखें जिसके अंदर ये कायदा आ जाता है और वैसे ही आपने मद लाजिम वहाँ पर करना है या मद लीन लाजिम करना है जिसकी मकदार तूल है यानी जिसकी मकदार तीन अल्फ़ के बराबर होती है तो सारे डाउट्स इनशाला क्लियर हुए होंगे मद मतसर के बारे में भी मुनफसल के बारे में भी मद लाजम के बारे में भी अब इन श्ला हम नेक्स्ट वाली वीडियो में इनशाला मद लाजम के जो चार कस्में हैं यानि कलमी मसक्ल कलमी मुख़फ़फ, हरफी मसक्ल और हरफी मुख़फ़फ, उनको हम इनशाला जो है नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं तो मुझे इजाज़त दीजिए मिलता हूँ इन अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप खुश रहें सलामत रहे अमन में रहे हिफाजत में रहें असलकुम वरहि वबरक